दुबे सर को भी कोटि कोटि प्रणाम सर। सर आज जिसकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हो पा रहा है। सरकार को जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है और विपक्ष खामोश है, और जब विपक्ष खामोश रहता है तो सरकार को भी अपना उल्टा सीधा करने का मौका मिल जाता है। पहले विपक्ष लामबंद होता था, जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ता था, तो शासन सत्ता को भी लगता था कि विपक्ष हमारे कमियों को बता रहा है, तो हो सकता है आने वाले चुनाव में हमको इसका नुकसान उठाना पड़े। लेकिन आज विपक्षी पार्टियां चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, वो सिर्फ ट्विटर खेल रही है। और आप जानते हैं ट्विटर इस देश में कितने लोग चलाते हैं और ट्विटर की बातें जनता तक कितनी पहुंच पाती है, ये किसी से छिपी नहीं है। अरे जनता इस समय तो इतने अच्छे अच्छे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीस सेकंड रुकिए। हम ये कह रहे हैं अगर ट्विटर पे आप हैं और आपने अपनी बात लिखी ट्विटर पर, उसको लगभग 5-4 आदमियों ने रीट्वीट कर दिया, 5-4 आदमियों ने लाइक कर लिया, तो आपकी बात महज 10,000 लोगों तक ही तो पहुंची। बाकी ट्विटर पर जो देख लेगा वो समझ लेगा, मत लाइक शेयर करे। बहुत ज्यादा पहुंच गई तो 1,00,000 लोगों तक पहुंच गई। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, 23 करोड़ जनसंख्या में अगर आपकी बात 1,00,000 लोग समझ रहे हैं या 1,00,000 लोगों ने आपकी बात देख ली, तो क्या बदलाव आएगा? क्या मुख्यमंत्री को लगेगा ये काम करने जरूरी है? नहीं सर, वही मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ट्विटर से लड़ाई नहीं होती है। ट्विटर कितने लोग देखते हैं, ट्विटर से कितने लोग जुड़े हैं, आम आदमी तो ट्विटर से जुड़ा ही नहीं है, तो उसको समस्या समझ में कैसे आएगी? लेकिन इस देश की सत्ताधारी पार्टियां बेमतलब के मुद्दों पे कभी भी वो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को लेकर बात नहीं करती। आपने अभी परसों दिखाया था कि 22 करोड़ व्यक्ति ने हार मरा, लेकिन नौकरी कितने को लगी? 7,22,000। अरे ये कौन सा परसेंटेज है? आप 1 करोड़ लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाए, 7,00,000 क्या है? कुछ नहीं है, वो भी 8 वर्षों में। मतलब 8 वर्षों में आपने मात्र 7,22,000 लोगों को रोजगार दिया। मतलब प्रति वर्ष 1,00,000 लोगों को भी आपने रोजगार नहीं दिया, और जिसको दिया भी है उसको भी आप खून के आंसू पिला रहे हैं। उसके पास भी पैसे नहीं है, उसको आप मेहनताना नहीं दे रहे हो, उससे काम पूरा लेते हो, काम पूरा लेकिन दाम आधा। अरे आपको हमारे ही शिक्षा पे, हमसे कम डिग्री पे, हम लोगों के विद्यालय में अध्यापक रखे गए हैं, उनकी डिग्री हमसे कम है या हमसे बराबर है, लेकिन वो 70,000-80,000-90,000 पाते हैं। हमको उनके 70,000-80,000 से दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी विद्यालय में जब हम भी 8 से 2 बजे तक उन बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, जिन बच्चों को और पढ़ाने का कार्य करते हैं, जो शिक्षा वो देते हैं उन्हीं शिक्षा को हम देते हैं, तो हमको 9,000 क्यों? और आप तो कहते हो एक देश एक विधान एक संविधान की पार्टी रही है भाजपा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर में जाकर नारा दिया था एक देश एक विधान एक संविधान। तो विद्यालय बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में ये 3 प्रकार की व्यवस्था क्यों लागू करते हो? जब हमको पैसे देने की बात होती है तो आप कहते हो आपके आपको आपकी योग्यता नहीं है, और जब हमको पढ़ाने की बात करते हो, जब हमारे पास योग्यता नहीं है तो उन बच्चों को उन गरीब बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो? और जब हम आप मेहनताना की बात करते हैं तो कहते हैं योग्यता नहीं है, और जब हम 9,000 पे पढ़ा रहे हैं 7,000 पे पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास बहुत योग्यता है। और आपने देखा होगा सर अनुदेशकों के मुद्दे पे बार बार उत्तर प्रदेश सरकार झूठ बोलती रही है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है, लेकिन केंद्र सरकार ने आपने स्वयं देखा अभी जो 27 जुलाई को जो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, केंद्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने जितना पैसा मांगा था उससे ज्यादा पैसा भारत की सरकार ने दिया। उसके बाद भी केंद्र सरकार भारत सरकार के वकील उत्तर प्रदेश सरकार के वकील कहते हैं कि केंद्र की सरकार पैसा नहीं देती, तो हम अनुदेशकों को देख के कैसे
जबकि आपको मैं बता दूं, अभी आपने देखा होगा 27 तारीख को माननीय पीसी जी बता रहे थे, वो जो केंद्र सरकार ने जो अपना एविडेविट दाखिल किया है उसमें केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने हमेशा उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए पैसा दिया है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उस पैसे को खर्च ही नहीं कर पा रही है। बार बार जब ऑडिट होता है जून के महीने में तो अनस्पेंट लिख के आता है। अब आप बताइए, जो पैसा उत्तर भारत की सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को दे रही है उसको आप खर्च नहीं कर पा रहे हो और कहते हो, कोर्ट में कहते हो, वो भी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहते हो, माननीय लखनऊ हाई कोर्ट में कहते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार को भारत की सरकार पैसा नहीं दे रही है। अरे कितना झूठ बोलोगे, कहाँ कहाँ झूठ बोलोगे, विधानसभा में झूठ बोलोगे, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में झूठ बोलोगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे, और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों पे इतना अत्याचार क्यों, इतना शोषण क्यों। आज उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना पड़ेगा कि जब ये अनुदेशक उत्तर प्रदेश के विद्यालय में पूरी ईमानदारी से कार्य करते हैं, 8 से 2 बजे तक विद्यालय में उतना ही काम करते हैं जितना सहायक अध्यापक करते हैं, तो उनको इतना पैसा क्यों और हमको इतना कम क्यों, इस पे उत्तर प्रदेश सरकार को विचार करना पड़ेगा। और आप जश्न मना रहे हो कि नई शिक्षा नीति के 2 वर्ष हो गए, अभी परसों मीटिंग हुई थी, माननीय अमित शाह जी ने मीटिंग लिया, बड़े बड़े जश्न मनाए जा रहे थे कि अरे नई शिक्षा नीति के 2 वर्ष हो गए। अरे 2 वर्षों में आपने किया क्या है? नई शिक्षा नीति में जब अनुदेशकों को नियमित करने की बात कही गई है तो आप उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को नियमित क्यों नहीं करते हो, और जब करते नहीं हो तो नई शिक्षा नीति लाए क्यों? क्यों सिर्फ दिखावा, सिर्फ फर्जी हवा मंडल, सिर्फ घूम घूम कर प्रचार करना, बड़े बड़े विज्ञापन छापना कि हम नई शिक्षा नीति में शिक्षा में बदलाव लाना चाहते हैं। अरे शिक्षा में बदलाव लाना चाहते हो, कैसे बदलाव लाओगे जब 9000 में उत्तर प्रदेश का अनुदेशक अपने विद्यालय में कार्य करेगा तो उन बच्चों को वो किस प्रकार से शिक्षा दे पा रहा है, कितनी कठिनाई की स्थितियों में हम अपने विद्यालय के बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं, कोई आकर हमारे विद्यालय में देखे। हम किस प्रकार से पेट्रोल का दाम कितना है, महंगाई कितनी हो गई है, इसकी चिंता कहीं किसी को नहीं है। वो महिला अनुदेशक जिसकी शादी दूसरे जनपद में हो जाती है वो किस प्रकार से दो दो जगह अपने परिवार को चलाने का कार्य करती है, ससुराल में भी खर्च करना पड़ता है, मायके में भी खर्च करना पड़ता है, और वो किराए के मकान लेकर विद्यालय के पास रहती है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को विचार करना पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के ट्रांसफर जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर है इस पर भी विचार करना पड़ेगा। और जो सूचना मिल रही है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करेंगे कि जनपदीय ट्रांसफर के साथ साथ अंतर जनपदीय ट्रांसफर की व्यवस्था भी करे और सारे विद्यालय को एक बार खोल दे, जहां भी उच्च प्राथमिक विद्यालय है चाहे वह संख्या वहां कितनी हो, 100 हो या 100 से कम हो या 100 से ज्यादा हो, इसको इस बार ना माने, और कंपोजिट विद्यालय में भी इस बार पूरा एक बार पूरी ट्रांसफर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार खोल दे और एक बार हमारे अनुदेशकों को अपने नजदीक के विद्यालय में जाने दे, क्योंकि इसके बाद बायोमेट्रिक की भी व्यवस्था होने वाली है। अब आप बताइए, बायोमेट्रिक की व्यवस्था होगी तो किस प्रकार से हमारे अनुदेशक जो 100 से 150 किलोमीटर जाता है वो किस प्रकार से अपने विद्यालय जा पाएगा, बायोमेट्रिक की व्यवस्था से किस प्रकार से वो समझौता कर पाएगा। तो हम अपने उत्तर प्रदेश सरकार से बार बार निवेदन करते हैं कि एक बार आप उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को जहां जाना चाहता है उत्तर प्रदेश का अनुदेशक उसको जाने दीजिए, और इसके बाद हम कभी आपसे ट्रांसफर की मांग नहीं करेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से भी अपील करता हूं, अपर बेसिक शिक्षा सचिव दीपक कुमार जी से अपील करता हूं, बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से अपील करता हूं कि एक बार ट्रांसफर की प्रक्रिया पूर्णतः इन्हें संतुष्ट करने के उद्देश्य से 100 बच्चों की बाध्यता खत्म करते हुए पूरे प्रदेश के उन सभी जूनियर हाई स्कूलों को सम्मिलित कर दें ताकि दोबारा कोई ट्रांसफर पोस्टिंग पर बातचीत ना करे, एक बार इन्हें 1.5 से 2 माह का मौका दिया जाए, अपना अपना सब अप्लाई कर दें,
और अपना समायोजन खुद भी कर ले। मान लीजिए एक ही पद के लिए, एक ही जगह के लिए 3 अनुदेशक 5 अनुदेशक लड़े जा रहे हैं, तो उन्हें आपस के विद्यालय एक दूसरे से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की एरिया में खुद चयनित कर लेने चाहिए, ताकि ये प्रक्रिया अगर एक बार पूर्ण तक खुले।